वो चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई भाई, ओए भाई फंस गई। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मम्मी जी के साथ में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर। तो हमारा प्लान था वैसे कहीं जाने का, लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया कि बाहर बहुत भीड़ होगी सब जगह रेस्टोरेंट में, या फिर कहीं घूमने नहीं जा सकते। तो हम मम्मी जी का कहना मानेंगे और बाहर नहीं जाएंगे भीड़ में, बिकॉज फिर भीड़ में प्रॉब्लम होती है ना। और हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे पूरी फैमिली के साथ में 31st। और साथ में नए साल की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट ईयर हम इस टाइम पे 1 मिलियन भी नहीं थे हमारे, हम ट्रैवलिंग, हम अल्मोड़ा थे, ट्रैवल कर रहे थे, हमारे 1 मिलियन भी नहीं थे, और अब देखो 12 मिलियन होने वाले हैं। मतलब एक साल में हमने 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं, इतनी बड़ी हमारी फैमिली होगी एक साल में। मतलब कोई सपने भी नहीं सोचा था। उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड मिला, हम हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हो गए, 3 गाड़ी ले ली एक ही साल में, इनोवा, फिर थार, फिर फॉर्च्यूनर, गेमिंग पीसी आ गया पीयूष का। मतलब बहुत कुछ अचीव किया हमने, फ्लाइंग भी सर से मिले, और भी काफी बड़े बड़े यूट्यूबर से मिले, काफी हेट भी मिला, उससे मैंने सीखा क्या चीज गलत है क्या सही है, क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने, उससे भी सीखा। मतलब लाइफ चेंजिंग ईयर है ना। यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, सबसे पहले आप लोगों का, फिर फैमिली का जो सपोर्ट करा, थोड़ा बहुत मेरा है, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई है, थोड़ा बहुत पीयूष का है, मेन तो आप लोगों का ही है और मेरी फैमिली का। तो और क्या ही बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस थैंक यू सो मच आप सबको इतना सपोर्ट करने के लिए। न्यू ईयर के हमारे मस्त मस्त प्लान्स हैं ट्रैवल के। सबसे मस्त चीज क्या लगी आपको इस साल की, ये बताओ। मेरे को सारा कुछ मस्त ही लगा। मुझे तो लिटरली पूरा साल ही बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भरा लगा, बिकॉज पहले हमारे 1 मिलियन हुए, फिर हम फ्लाइंग भी सर से मिले, फिर 2 मिलियन हुए, फिर सेलिब्रेशन हुआ, पता ही नहीं चला कि पूरा साल निकला कैसे। कल मजा आया। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, मस्त दाल चावल, थोड़ा सा बचाएगा, कोई नहीं इतना ही खा लूंगा मैं, सबसे लेट मैं ही हूँ, मम्मी जी हाथ से पिचकारी है। तो अभी यहाँ पे धूप में नींबू छीला जा रहा है, इसकी मस्त डिश बनाएंगे हम, पहाड़ी डिश। तो अभी जो मम्मी बना रही है ये हमारी पहाड़ी डिश होती है, इसमें सारे फ्रूट्स मिक्स होते हैं। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और इसको देखो कैसे देख रहा है नीचे से, मतलब इतनी थोड़ी सी जगह है फिर भी देखना है इसको बाहर, और ये बाहर ना देख पाए इसलिए हमने ये लगाया था, फिर हमने साइड में ये लगाया जुगाड़ के लिए, देखो ये भी लगाया ना, ताकि इधर से भी ना देख पाए, लेकिन ये अब नीचे से देखता है, बिल्कुल नीचे से, देखो कितनी कम जगह है यहाँ से देखता है, ये देखो ऐसे, मतलब अपना देखने का जुगाड़ तो कर ही लेता है कहीं ना कहीं से। घुस गया, ये तो नीचे ही घुस गया, मेरे को हल्का सा दिखता होगा, बिल्कुल हल्का सा। अब यहाँ नीचे भी कुछ लगाना पड़ेगा हमको। तो नींबू, मूली, संतरा हमने इसमें काट दिया, अब इसमें दही डलेगा, चटनी डलेगी। तो हमारा 31st तो ऐसे ही बन रहा है। खिचड़ी की चटनी बता दूं? नहीं बताऊं? चलो गाइस, गैस करना है खिचड़ी की चटनी होगी, ये मैं बता नहीं सकता आपको। तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा लग रहा है, देखो कैसा हो रहा भाई, कैसा हो रहा है, कैसा है अम्मा, कैसा है, कैसा हो रहा है। साहिल नहीं है, साहिल बता नहीं, सुबह सुबह कहीं गया हुआ है काम से अपने। गाइस जब भी आप पहाड़ पे आओ तो ये जरूर ट्राई करना, अलग ही एक्सपीरियंस है। तो हमारे घर के पास में जंगल है, तो वहाँ चलते हैं अभी ऑफ रोडिंग करने के लिए। मार्केट नहीं जाएंगे, ऑफ रोडिंग जा रहे हैं। हाथी होते होंगे तो है? हाथी कुछ नहीं करते, हाथी कुछ नहीं करते, थार है। अगर हाथी दिखेंगे तो भगा लेंगे गाड़ी, पीछे पड़ जाते हैं वरना। हाँ यार, लोग तो हाथी देखने के लिए कॉर्बेट जाते हैं, हमको यही दिख जाए तो बढ़िया है। वैसे रेयरली दिखता है, एक बार हमारी सोसाइटी में भी आया था, देख लो आपने पहली बार देखा होगा। जंगल में जाने के लिए मम्मी से परमिशन ले रहा हूँ मैं। दूर में ले जाना है ना ज्यादा, ठीक दूर नहीं, जंगल में जाएंगे बस, ऑफ रोडिंग करेंगे, आ जाएंगे। चलो कौन कौन चल रहा है, बच्चे चलते हैं सिर्फ। तो फिलहाल थार उठाते हैं और चलते हैं सीधा ऑफ रोडिंग के लिए, इस साल की हमारी लास्ट ऑफ रोडिंग। गाड़ी खराब हो गई, क्या गाड़ी खराब हो गई, दरवाजा कहाँ गया, दरवाजे दो ही होते हैं इसमें। तो अब हम कर रहे हैं जंगल में एंटर यहाँ से, यहाँ पे तो कुछ लोग हैं, आई थिंक पिकनिक मना रहे हैं। तो अभी हमको कुछ ऐसा दिखा जो कि नहीं दिखना चाहिए था, इसलिए हमने शूट नहीं किया। कैसा रहा, मजा आया, जंगल सफारी विद सौरभ जोशी व्लॉग्स? डिसाइड कर लिया, सौरभ भैया के साथ नहीं बैठूंगा। अरे थार में ऐसे ही होता है भाई, तो इनको मस्त झुला दिया मैंने थार में। तो अभी जंगल के बीच में ना हमको ये खुली सी जगह दिखी, यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे सेफ भी रहता है ना, बिकॉज खुले में रुकना चाहिए, अगर कहीं कोई अगर कोई जानवर आएगा भी तो दिख जाएगा हमको दूर से, जंगल के बीच में नहीं रुकना चाहिए ना। 31st हम यहाँ मना सकते थे है ना, यहीं पे खाना पीना ले आते, मम्मी पापा भी आ जाते सभी। अच्छा, और हाथी आता वो, उसको भी खिलाते। हाथी नहीं आता यार, ऐसे थोड़ा ना, खुली लोकेशन पे थोड़ा आता है। हाथी का नहीं है वो, गाय का ही है। तो पीयूष थार के ऊपर चढ़ गया, नहीं काटता यार, अरे कुछ नहीं करेगा, खेलने वाले होते हैं। डॉग फूड लाना भूल गए। हाँ यार, डॉग फूड निकाला था गाड़ी से। बिस्किट वगैरह भी नहीं है क्या, कुछ नहीं है,
तो आज हम डॉग फूड रखना भूल गए यार। तो फिलहाल मैं भी जाता हूँ ऊपर। हाँ यार ऊपर से तगड़ा व्यू आ रहा है। भाई कूद मत, आराम से उतर ऐसे। यहाँ से कूद रहा है उसके ऊपर भाई, टूट जाएगी। फिर कूद रहा है ऐसे आराम से, पैर रख तो स्ट्रांग है तो ऐसे कूदेगा क्या? यहाँ पे योग चल रहा है। भाई लड़ाई मत करो भाई। ओए ओए असली नहीं भाई, असली नहीं। और रियल मत करो यार, रियल नहीं। अरे गोबर, अरे सूखा हुआ है, सूखा हुआ है, सूखा हुआ है। पैर रख के दिखा रहा है। वाह फिर गोल्डी को, गोल्डी ज्यादा एक्साइटेड आता है लड़ाई के लिए। बस, सच में। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुके, काफी मस्ती की, काफी मजा आया। अब चलते हैं सीधा घर वापस। छह लोग कंफर्टेबली हम देखो थार में आ गए हैं। ऊपर से चढ़ा दो, चढ़ जाएगी आराम आराम। चढ़ाना पूरी उल्टी पलट जाएगी, नहीं पलटेगी, चढ़ जाएगी आराम से यहाँ से। तो आराम आराम से ले आना, आराम आराम से ले आओ, ले आओ 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 ले आओ। क्या हुआ, नहीं चढ़ रही क्या? अरे अटक रही है भाई, नहीं चढ़ रही। 4x4 लगाना पड़ेगा, 4x4। तो ऐसे तो चढ़ नहीं रही है, 4x4 लगाना पड़ रहा है। अब चढ़ेगी, वो चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई भाई। ओए भाई फंस गई। अरे थार की तो होगी यार। चलो कोई नहीं, बैग ही ले जाओ। लेकिन ले जा सकते हैं भाई, टेक्निक होती है भाई ले जाने की। थार की होगी बेइज्जती। बेइज्जती नहीं है भाई, थार का फायदा ये लो, इससे अच्छा तो हम ही आ जाएंगे। हाँ ए फिर फंस गई। ओ भाई ओ भाई, वही क्या कर रहे हो भाई? चेसी बैठी है। अरे मत करो, धस जाएगी। क्यों मत करो, कुछ नहीं हो रहा। अरे मैं कह रहा हूँ धस जाएगी वो, क्योंकि नीचे से मिट्टी निकल रही है ना। तो चलो फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ कि मुझसे हो पाती है नहीं हो पाती। साथ तो गाड़ी चलाएंगे। चला दी। ये देखो पूरे गड्ढे हो गए यहाँ पर। अब वापस निराशा के साथ नीचे जा रहे हैं। भाई 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 भाई, अबे भाई पूरा कूद गई थी गाड़ी। भाई भाई कूद गई गाड़ी, पूरी कूद गई थी। स्पीड में ले जानी पड़ती है भाई, कूद गई थी पूरी। लेकिन चलो फिलहाल चलते हैं वापस घर। अब इतना भयंकर उछली ना ये। If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now till the morning light for you? आने दो, और अंदर, आने दो। बस। हाँ। तो अभी घूमते फिरते हमको भूख लगी थी, तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। भाई ये डांस नहीं है भाई, ये कुछ और ही है। अरे वाह, अभी घर जाके भी डांस करना है भाई, घर जाके भी। ओ भाई क्या कर रहा है, वो गिर गया। तो फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और अंधेरा हो चुका है, लेकिन हमने पैक भी करा लिया था साहिल के लिए और फैमिली के लिए। ओलू सौदा आ गए हैं। तेरे लिए तेरी फेवरेट चाप ले आया हूं, मलाई चाप भी है और 47 भी है, दोनों है। सॉरी यार मम्मी लेट हो गए, सॉरी। 31st मनाया ना अभी, 31st क्यों? तो भी गाइस हम घर पे पहुंचे और एक बैड न्यूज है, हम 31st नहीं मना सकते। कोई एक बहुत बड़ा रीजन है, वो भी नहीं बता सकते। तो बस अब मैं एडिटिंग करूंगा और फिर सो जाऊंगा। वैसे मेरा प्लान था अभी थोड़ी देर में नया साल आने वाला है, तो हम फुल मस्ती करते, डांस करते, बट नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। हाँ, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो भी गाइस रात के बज रहे हैं 11:47, तो 13 मिनट के बाद नया साल आ जाएगा। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और भी एक तगड़ी सी वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। और इस साल हमने काफ़ी कुछ अचीव किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मतलब सबसे मेन तो 365 व्लॉग का हमने टारगेट लिया था, जो कि कंप्लीट हो गया था हमारा। 100 डे, 100 व्लॉग, 100 ट्रेंडिंग भी कंप्लीट हो गया। ये तो लिटरली मैंने सोचा ही नहीं था, 365 वाला तो मैंने सोचा था कि हम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर है कि मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। लेकिन 100 डे, 100 व्लॉग, 100 ट्रेंडिंग, मतलब अभी भी मतलब 3 वीडियोज मेरे ट्रेंडिंग में हैं ही, मतलब हर वीडियो ट्रेंडिंग में आती आती है। तो बस आप लोगों का प्यार है, बस यही चाहिए, और तो क्या चाहिए। आप लोगों के बिना तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता, आप लोगों के बिना और मेरी फैमिली के बिना। तो बस दिल से सबको थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सौरभ भैया और मैं लड़ाई करते हो, फ्यूचर गोल्डी कर रहे हैं सौरभ भैया। ना भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पहले ही हाथ जोड़ता हूँ आपके। लो